हेलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आजे આપણે એક મહત્વની થિયરી ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ માટે સ્ટડી કરવા જઈ રહ્યા છીએ, એ છે ધ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન, ધ શ્રોડિંજર વેવ ઇક્વેશન ઓફ મોશન, જેને એવું કેવું હોય તો કહી શકાય, બરાબર? ધેટ ઇઝ ધ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન, વન ડાયમેન્શનલ ઇન થ્રી ડાયમેન્શનલ। चलो तो आपने ने चल ए प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव इज डिफाइंड एज प्लेन वेव मोनोक्रोमेटिक वेव हो ने आ रीते इक्वेशन नंबर 1 थी डिफाइन कर सकता है। दैट इक्वेशन रिमेम्बर यू साइन ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू ए इनटू ई रेस टू आई इन ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी वेयर साइन इज इक्वल्स टू वेव फंक्शन ए इज द एम्पलीट्यूड के इज द वेव वेक्टर बराबर टी इज द टाइम that is I factor that is the imaginary part we can conclude in imaginary part involved in this theory बराबर छे which describe a disturbance of amplitude a and of wavelength lambda is equals to 2 pi upon k traveling in x direction આપણે ખાલી x direction એકની જ વાત કરીએ છે that means આ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન જે છે એ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન આપણે વન ડાયમેન્શનલ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન नहीं आपने बात करी बराबर दैट मीन्स इन द डिरेक्शन ऑफ इट्स वेव वेक्टर के विद द फेस वेलोसिटी ओमेगा बाय के एनो वेव वेक्टर के छे तो जो के वेव वेक्टर होय तो एनी फेस वेलोसिटी ओमेगा बाय के वडे लखी सकाय सिंस वी नो दैट द रिलेशन पी इज इक्वल्स टू एच कट के एंड इज एनर्जी ई इज इक्वल्स टू एच कट ओमेगा बराबर दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स साइन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए ई रेस टू के जगह आ मूको आने के सूत्र करता बनाव तो शू पी बाय एच कट आमाथी ओमेगा ने बनाव तो शू ई बाय एच कट एच कट बी में एच कट कॉमन छेद में एच कट एट आई अपोन एच कट इन ब्रेकेट पी एक्स माइनस ई टी इक्वेशन नंबर बी डिफरेंशिएशन इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू टी इक्वेशन नंबर बे नु डिफरेंशिएशन आनु डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करवानु छे तो साइन ऑफ एक्स टी तो साइन ऑफ टी नी सापेक्षे डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू ए कोन्स्टंट एन आई एम नो ई रेस टू एक्स होय तो ई रेस टू एक्स એટલે આ આપણે એક્સ ધારેલું છે તો ઈ રેસ ટુ એક્સ નું ઈ રેસ ટુ એક્સ એમ પણ હવે જે ધાર્યું છે એનું ડિફરન્શિએશન ટી ની સાપેક્ષે છે તો આ ઈ રેસ ટુ આ છે ને તો આઈ पी एक्स अपोन एच कट एम टी नहीं जीरो माइनस आई टी अपोन एच कट तो टी नु टी सापेक्ष वन एट शू माइनस आई अपोन एच कट आगे माइनस आई अपोन एच कट ए सेम टीज ई रेस टू एक्स एट ई रेस टू समथिंग ई रेस टू एक्स नु ई रेस टू एक्स सेम टी देर फोर डेल साई अपोन डेल टी इज इक्वल्स टू शू माइनस वन छे बराबर तो हवे शु करशो माइनस वन यहाँ कने लखेलू छे माइनस होय एटले माइनस वन होय एटले आई स्क्वेर थाय ने बराबर के नो थाय बराबर छे हवे आ माइनस आई नी जग्याए माइनस आई नी किंमत थाय वन अपॉन आई એટલે ઈ અપોન આઈ એચ કટ એ ઈ રેસ ટુ આઈ અપોન એચ કટ ઇન બ્રેકેટ પી એક્સ માઇનસ ઈ ટી ઈ કેવી રીતે મળે તો કે આઈ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ વન તો આઈ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ વન તો આઈ ઇન ટુ આઈ બરાબર માઇનસ વન આઈ ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો શું થાય આઈ બરાબર માઇનસ વન અપોન આઈ માઇનસ ની સામેની બાજુ જોઈએ તો માઇનસ આઈ બરાબર શું થાય વન અપોન આઈ એ પ્રમાણે બરાબર હવે આ આઈ એચ કટ જે છે સામેની બાજુ લઈ જાઓ તો આઈ એચ કટ ડેલ સાઈ અપોન ડેલ ટી બરાબર ઈ ઇનટુ આટલી તો વસ્તુ તો સાઈ છે જ જો આ પાછું અહીંયા કણે મળે છે આપણને આ સાઈ ઇક્વેશન નંબર 2 માં જે છે એ પાછી એટલે કે સાઈ ઓફ એક્સ ટી ઇક્વેશન નંબર 3 બરાબર ના અગેન ડિફરન્શિએશન ઇક્વેશન 4 સોરી इक्वेशन नंबर 3 बराबर नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू
x इक्वेशन नंबर 2 જે છે એનું x ની સાપેક્ષે ડિફરન્શિએશન બરાબર તો ડેલ સાઈ અપોન ડેલ t અહીંયા ડેલ સાઈ અપોન ડેલ t નહીં આવે ડેલ x બરાબર બધી જગ્યાએ અહીંયા ડેલ x અહીંયા ડેલ x બરાબર કારણ કે x ની સાપેક્ષે છે ડેલ સાઈ અપોન x ની સાપેક્ષે કરો ઇક્વેશન નંબર 2 નું જો તો આ કોન્સ્ટન્ટ એટલે a ઇન્ટુ e રેસ ટુ કાઈક છે એટલે e રેસ ટુ x જે છે એ એમ નો હવે આમાં x છે એટલે પહેલી ટર્મ નું થશે બીજી ટર્મ નું 0 તો ip x / h કેટનું શું થાય ip / h કટ થાય તો ip / h કટ એ એમ નો આ જે છે એ એમ નો બરાબર ડેલ સાઈ / ડેલ x i બરાબર શું થાય માઇનસ 1 / i એટલે માઇનસ p ના છેદમાં i h કટ a e रेस टू आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी आ माइनस आई एच कट ने सामी ने बाजू लीजिए माइनस आई एच कट डेल साई अपॉन डेल एक्स आ पी एम नम इंटू आ पाछू एम नम इक्वेशन नंबर बे मा साई ऑफ एक्स टी बराबर छे एटले यस आई ऑफ एक्स टी इक्वेशन नंबर 4 हवे जो तमे एक्स नी सापेक्षे तमे एक वार करो तो तमने शू मळे छे इक्वेशन नंबर 2 माथी तो के आई एच कट માઇનસ આઈ એચ કટ વડે ગુણાય છે જુઓ સાઈ ડેલ સાઈ અને આ એ એક પી આવે છે અને સાઈ વેવ ફંક્શન પાછું આપણને મળે છે તો બીજી વાર કરો તો શું મળે તો કે ડેલ સ્ક્વેર સાઈ અપોન ડેલ એક્સ સ્ક્વેર આ ડેલ સાઈ અપોન ડેલ આ હતું ને આનો સ્ક્વેર મળે શું મળે આઈ પી અપોન એચ કટ આર યુ આઈ પી અપોન એચ કટ આવું મળતું હતું અને રિટર્ન બેક એમ નમ બરાબર તો શું થાય હવે આ આઈ સ્ક્વેર એટલે માઇનસ 1 એટલે માઇનસ પી સ્ક્વેર અપોન એચ કટ સ્ક્વેર એટલે માઇનસ એચ કટ સ્ક્વેર ને સામેની બાજુ માઇનસ એચ કટ સ્ક્વેર ડેલ સ્ક્વેર સાઈ અપોન ડેલ એક્સ સ્ક્વેર બરાબર પી સ્ક્વેર અને આ સા આ જે છે સાઈ ઓફ એક્સ ટી જે ઇક્વેશન નંબર 2 માં છે બરાબર હવે બંને બાજુ 2m વડે ભાગો તો ધેરફોર માઇનસ એચ કટ સ્ક્વેર અપોન 2m ક્યાં ભાગોનું આ ઇક્વેશન 2m વડે ભાગોનું ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી સ્ક્વેર અપોન 2m ઇન્ટુ સાઈ ઓફ એક્સ ટી ઇક્વેશન નંબર 5 ફોર એ ફ્રી નોન રિલેટિવિસ્ટિક પાર્ટિકલ નોન રિલેટિવિસ્ટિક પાર્ટિકલ હોય તો પી સ્ક્વેર અપોન 2m બરાબર ઈ થાય ઇક્વેશન નંબર 6 ધેરફોર એ માઇનસ એચ કટ સ્ક્વેર અપોન 2 m ડેલ સ્ક્વેર સાઈ અપોન ડેલ એક્સ સ્ક્વેર બરાબર પી સ્ક્વેર અપોન 2m બરાબર શું થાય એનર્જી ઈ ઇન્ટુ સાઈ ઓફ એક્સ ટી ઇક્વેશન નંબર 7 નાવ ફ્રોમ ઇક્વેશન નંબર 3 એન્ડ 7 વી ગેટ ઇક્વેશન 3 અને 7 ઇક્વેશન નંબર 3 માં જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઈ આ ઈ ઓફ સાઈ ઓફ એક્સ ટી એની કિંમત આ છે ઇક્વેશન નંબર 7 માં ઈ ઓફ સાઈ એક્સ ટી એની કિંમત આ છે તો બંનેની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ સરખાવી શકાય તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇક્વેશન નંબર 3 ની શું છે આઈ એચ કટ ડેલ સાઈ અપોન ડેલ ટી છે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઇક્વેશન નંબર 7 ની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ માઇનસ એચ કટ સ્ક્વેર ટ્વાઇસ એમ ડેલ સ્ક્વેર સાઈ અપોન ડેલ એક્સ સ્ક્વેર ઇક્વેશન નંબર 8 બરાબર ધીસ ઇઝ વન ડાયમેન્શનલ ઇક્વેશન નંબર 8 છે ટાઈમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સોરી ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન ફોર એ ફ્રી પાર્ટિકલ આ ફ્રી પાર્ટિકલ માટે વન ડાયમેન્શનલ ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન છે ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ કેમ તો કે આની અંદર ટી ઇન્વોલ્વ છે એટલા માટે એ ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ છે બરાબર ઇક્વેશન 3 એન્ડ 4 સજેસ્ટ ધેટ ઈ કેન બી રિપ્રેઝન્ટેડ બાય ઓપરેટર 3 અને 4 એવું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે એનર્જી જે છે એ આ ઓપરેટર 3 રિપ્રેઝન્ટ થાય એટલે કે E is I H cut dl upon dl t and P can be represented by minus I H cut dl upon dl x. There means E કેનાથી represent થાય તો કે I H cut dl upon dl t P કેનાથી represent થાય તો કે minus I H cut dl upon dl x. જો આવું હોય તો using this operator corresponding equation 8 એલ્સો રિટર્ન તો ઇક્વેશન 8 ને કેવી રીતે લખી શકાય તો કે આઈ એચ કટ ડેલ અપોન ડેલ ટી આઈ એચ કટ ડેલ અપોન ડેલ ટી એના બરાબર ઈ તો આ ઈ ઇન્ટુ સાઈ થઈ ગયું તો ઈ સાઈ બરાબર હવે
माइनस एच कट स्क्वेर माइनस वन एटले आई स्क्वेर थाय बराबर एटले आई स्क्वेर एच कट स्क्वेर एटले आ थई गयुं आई स्क्वेर एच कट स्क्वेर डीएल अपॉन डीएल एक्स एटले माइनस पी नो स्क्वेर नो स्क्वेर थाय एटले ई हमेशा केवो आवे प्लस जाय एटले पी स्क्वेर अपॉन ट्वाइस एम साइन एक्स टी एटले इक्वेशन नंबर आठ आवी रीते रिप्रेजेंट थाय बराबर छे। नाउ ए कंडीशन फॉर थ्री डायमेंशनल जनरलाइजेशन इन्क्लूड्स ऑल द थ्री कम्पोनंट्स हेन्स इक्वेशन एट बीकम्स धारो कि थ्री डायमेंशनल नी अंदर हो तो आपने केवू मळे तो आपने इक्वेशन नंबर आवू मळे। आ वन डायमेंशनल हतुं तो अहींया खाली जो एक्स आवतुं थ्री डायमेंशनल में त्रणे त्रण कम्पोनंट आ बराबर अहींया माइनस एच कट स्क्वेर अपॉन ट्वाइस एम तो मल्टीप्लिकेशन नी अंदर छे बराबर तो आ एच छे माइनस एच कट स्क्वेर अपॉन ट्वाइस एम डेल स्क्वेर अपॉन डेल एक्स स्क्वेर प्लस डेल स्क्वेर अपॉन डेल वाई स्क्वेर प्लस डेल स्क्वेर अपॉन डेल जे स्क्वेर इंटू साइन ऑफ एक्स टी आने केवी रीते लखी शकाय तो कि माइनस एच कट स्क्वेर अपॉन ट्वाइस एम एम नो आने नेबला ऑपरेटर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर तरीके नेबला स्क्वेर ऑफ साइन नेबला स्क्वेर साइन इक्वेशन नंबर नाइन बराबर अगेन एप्लाइंग ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड पाछ ते एप्लाय करो कि ई जे छे आई एच कट डेल अपॉन डेल टी और पी जे छे माइनस आई एच कट नेम्बला नेम्बला एटले डेल अपॉन डेल एक्स अथवा डेल अपॉन डेल वाय अथवा डेल अपॉन डेल जे डिफरेंशिएटर ऑपरेटर नेम्बला रिप्रेजेंट करे छे बीजू कई नहीं। इक्वेशन नंबर नौ शू थाय तो कि आ बाजू ई साई बराबर आमा एवं थाय माइनस वन छे एटले माइनस वन नो स्क्वेर माइनस वन हो एटले आई स्क्वेर थाय ने आई स्क्वेर एच स्क्वेर एटले पी स्क्वेर थाय पी स्क्वेर अपॉन ट्वाइस एम नेबला स्क्वेर साय आई साय तो हतुं ज एटले साय इक्वेशन नंबर दस बराबर। नाउ एज्यूम देट पार्टिकल इज नॉट फ्री धारो कि पार्टिकल फ्री नथी दस टोटल एनर्जी केटली थाय तो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी देरफोर ई इज इक्वल्स टू पी स्क्वेर अपॉन ट्वाइस एम वत्ता वी ऑफ एक्स टी वी एटले समय साथ पोजिशन चेन्ज थे पोटेंशियल एनर्जी चेन्ज थे आ पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन ई इज इक्वल्स टू एच कट स्क्वेर अपॉन ट्वाइस एम नेम्बला स्क्वेर सॉरी डेल स्क्वेर अपॉन डेल एक्स स्क्वेर प्लस वी ऑफ स्क्वेर पी जगह किंमत मूकी है बीजू कहीं नहीं बराबर। दस द श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल सब्जेक्टेड टू फोर्स बाय यूजिंग इक्वेशन एट तो इक्वेशन नंबर एट में केवी रीते लखाय तो कि फ्री पार्टिकल होय तो कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एनी अंदर एड करवानी आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी बराबर इन ब्रेकेट माइनस एच कट स्क्वेर अपॉन ट्वाइस एम डेल स्क्वेर अपॉन डेल एक्स स्क्वेर प्लस वी ऑफ एक्स टी इंटू साइन एक्स टी बराबर आने कंईक नवं नाम आपी दईए आपणे धारो कि आ स्क्वेर ब्रेकेटनी अंदर छे ने आपणे एच लई लईए इज इक्वल्स टू एच साय एटले कि आई एच कट डेल साय अपॉन डेल टी बराबर शू थाय एच साय आ साय तो हतुं ज बराबर वेर एच नोन एज ध हेमिल्टोनियन ज्यां एच शू छे हेमिल्टोनियन छे बी ध टोटल एनर्जी एटले एच शू करे टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करे आपणे एच बराबर कहेता था ने टी प्लस वी प्रीवियस चेप्टर हेमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म नी अंदर एच इज इक्वल्स टू टी प्लस वी क्या थाय एवुं आ रह्युं जो पाछुं एज वस्तु छे एच इज इक्वल्स टू टी प्लस वी बराबर इन थ्री डायमेंशनल इट इज रिटन एज आ वन डायमेंशनल तो थ्री डायमेंशनल में लखवुं होय तो आई एच कट डेल साय अपॉन डेल टी बराबर माइनस आई एच कट ट्वाइस एम आ एक डायमेंशनल अहीं नेबला स्क्वेर प्लस वी ऑफ आर टी लखाय अथवा तो वी खाय अने साइन ऑफ आर टी आर एटले त्रणेय कम्पोनंट बराबर दैट्स वाय आने तमे एच नाम आपो इज इक्वल्स टू आई एच कट डेल साय अपॉन डेल टी बराबर आने एच नाम आपी दियो एच साई ऑफ आर टी आ जे इक्वेशन छे थ्री डायमेंशनल माटे बराबर तो आ श्रोडिंजर इक्वेशन वन डायमेंशनल माटेनुं अने थ्री डायमेंशनल माटेनुं हतुं बराबर छे। थैंक यू।